नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और आज 10 अगस्त आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है, साथ ही यहाँ पे छात्रों का जो ऐलान था वो भी है। यहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं मोरहाबादी के बापू वाटिका के सामने, और यहाँ पे अलग अलग छात्र, अलग अलग लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग इन्हीं में से कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। जी, आज 10 अगस्त है, जो आप लोगों ने ऐलान किया था उसी के मुताबिक आप लोग सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कुछ आगे आप लोग की रणनीति रहेगी? अभी हमारी रणनीति यही है कि फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे अभी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, और रात से ही, चूँकि 11 बजे रात तक हम लोगों को पुलिस के द्वारा मतलब कि बुलाया गया था, वहीं पे हम लोग 11 बजे रात तक रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोग को समझाया बुझाया गया है, सरकार भी प्रशासन भी हमारे साथ सहयोग का भावना लेके आई हुई है, और इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने इस अनशन को अंजाम देंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमारी जब तक सीमाओं को पूरा नहीं किया जाएगा एक भी लड़का यहां से कोई हिलेगा नहीं। हमारा एक ही मांग है कि पेंडिंग रिजल्ट जारी करें, और जितना भी हमारा बैनर तले में हमारा मांग है हर मांगों को पूरा किया जाए, तभी हम लोग यहां से उठने वाले हैं, जाने वाले हैं। चूँकि आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ हम लोग आज नहीं आए हुए हैं, इससे बहुत दिन पहले भी लगातार कोई ना कोई युवा यहाँ पर आके अपना हक और अधिकार के लिए मांग रहे थे। कोई कभी इस बैनर अपना बैनर को लेकर के, कोई अपना बैनर को लेकर के लगातार मांग करते रहे, लेकिन आज जो युवा एक साथ पहुंचे हुए हैं, पूरा सुसंगठित हुए हैं, और सारे युवा आज चट्टानी एकता का परिचय देते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार युवाओं से आखिर इतना भयभीत क्यों है, युवाओं से इतना डरी हुई क्यों है? आप युवा सरकार हैं तो युवाओं की बात को मानिए ना। आप जितना खर्चा यहाँ प्रशासन भेजने में लगा रहे हैं, उतना खर्चा आप हमारा कोऑपरेशन करने में लगाइए ना। आप जो प्रशासन का इतना समय नष्ट करवा रहे हैं, हम युवाओं का समय को बर्बाद करवा रहे हैं, तो क्या आपके पास 5 मिनट का भी समय नहीं है कि हम युवाओं से आप वार्ता कर सकते हैं? जब भी आंदोलन के लिए हम लोग उतरते हैं, क्रांति के लिए उतरते हैं, तो अक्सर एक ही बात बोलते हैं कि वार्ता करने से हल निकलता है, लेकिन वार्ता करने के लिए आप आइएगा तब ना हल निकलेगा। आपके पास तो 15 मिनट समय है ही नहीं हमारे युवाओं के लिए, हम युवाओं के लिए। अगर हम युवाओं का बात को, दर्द को आप नहीं समझ पाइएगा, तो फिर हम भी कैसे आपके दर्द को समझेंगे? हम कैसे ये समझ पाएंगे कि आप हमारे हित में काम कर रहे हैं? हमारे पास आपकी कोई भी खबर पहुंच ही नहीं रही है, सिर्फ और सोशल मीडिया के माध्यम से आप आते हैं, अपना सर को हिलाते हैं कि आपकी बातों का संज्ञान में है, आप फिर से हमें एक लॉलीपॉप वाला आश्वासन देकर के वापस भेज देते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? हम युवा आज एक बार सुसंगठित हुए हैं, और आज का दिन इसलिए चुने हैं क्योंकि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, और उनके इस जन्मदिन का हार्दिक बधाई हम लोग सब देते हैं, और हम लोग हैं, और हम लोग यहाँ पे जन्मदिवस के दिन में उनसे हम लोग लंबित नियुक्तियों का उपहार मांग रहे हैं कि हमारी इतने लंबे समय से जो हमारी समस्या है उस समस्या का समाधान कीजिए, और अगर त्वरित इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है तो हम सारे युवा आज उनके जन्मदिवस को पूरे राज्य में ऐतिहासिक रूप से काला दिवस के रूप में मनाएंगे। और यहाँ पे हमारे साथ और भी छात्र यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा, आप लोगों की भी मांग काफ़ी समय से रही है, आप लोगों ने काफ़ी वक्त तक यहाँ पर ही धरना प्रदर्शन किया था, तो अब तक काफ़ी सारे लोगों का, आप लोगों को सहयोग दिया जा रहा था, बातचीत हो रही थी, लेकिन क्या कुछ अभी तक निकला आपके पास निर्णय? अभी तक तो सर हमारे जेब के बारे में किसी भी प्रकार की निर्णय नहीं ली जा रही है। हम जानते हैं ये सरकार जब वोट की बारी आएगी तो वोट की बारी आने पर किसी का पांव छुएगा, किसी का बोलेगा कि हम तुम्हारे बड़े भैया हैं, लेकिन जब वोट इनको सिंहासन पर हमने बैठा दिया तो किसी काम के लायक नहीं है। हम तो साफ कहते हैं, आप रघुवर दास से भी मौक सरकार की तरह से आप कर रहे हैं। एक गांव में कहावत कहा गया था कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वही सार्थक सिद्ध हो रहा है। मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, आप अपने जन्मदिवस के अवसर पे इन छात्र छात्राओं जो भी हैं उनसे आप 2 मिनट का समय दीजिए, आप बोल दीजिए कि मेरे लिए इस पेंडिंग रिजल्ट के लिए कोई जवाब नहीं है, हम लोग स्वतः अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन मैं इस आस के साथ आया हूँ कि मैं अपने बड़े भैया को सिंहासन पर बैठाया है इस दिन देखने के लिए नहीं। आज मैं भी अपने घर पर रहता, अपने ड्यूटी पर रहता, लेकिन आज ये मोरहाबादी मैदान में कहीं कोई पलामू से, कोई कहीं से, चाई बासा से, पूरे झारखंड के 2400 जिला से आकर के उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। आखिर क्यों? हम इस सरकार से पूछ सवाल करना चाहते हैं आखिर क्यों बड़े भैया छोटे भैया भाई को क्यों रुला रहे हैं? जितना इस छोटे भाई में दर्द आ रहा है, जिस तरह आपको सिंहासन पर बैठाने का काम किया है,
उस तरह हम सिंहासन से हटाने का काम करेंगे जब वोट की बारी आएगी। मैं एक बात अंतिम में कहना चाहता हूं कि आपसे इस काम पूरा नहीं हो सकता है तो आप कुर्सी छोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हेमंत सरकार कुर्सी छोड़ो, हेमंत सरकार कुर्सी छोड़ो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना। यहाँ पर और भी एक बैनर है जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है, हम लोग एक बार इनसे भी बात करते हैं। क्या कहिएगा आप लोग, फिर से एक बार धरना प्रदर्शन पर मौजूद हैं और अब वैधानिक ढंग से अपनी मांग को रख रहे हैं। स्टूडेंट हैं सब हम लोग कोई नेता नहीं है, यहाँ सब स्टूडेंट हैं, सब पेंडिंग नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कोई छठी जेपीएससी का रद्द का मांग कर रहा है, कोई पंचायत सचिव की नियुक्ति का, कोई कारा चालक का, कोई जेप का, उत्पाद सिपाही का, जिला पुलिस का, होमगार्ड जो है चयनित हुआ था उन लोग का जानते हैं 10 साल 15 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ, लोग त्राहिमाम है। ये सरकार को कुर्सी मिलने के बाद एकदम मतलब वो भूल गई है जनता को, युवाओं को, उनको पता नहीं चल रहा है कि युवा क्या कर सकता है। पूरा झारखंड में इनको सत्ता से बाहर भी कर सकता है और ये शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकता है। हम लोग ये करेंगे और हेमंत सोरेन जी को टाइम निकाल के हम लोगों से बात करना चाहिए और हमारी समस्याओं को हल करना चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा हमको नहीं करना। तो आप लोग सभी लोगों ने सुना कि सभी लोग यहाँ पर नियुक्ति वर्ष का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के बापू वाटिका के समक्ष मौजूद है, अपनी अपनी मांगों के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि इनकी जो मांग है उसको पूरी की जाए। और इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।